जीवन का यही सत्य है बस, जो आया उसे जाना है एक दिन। बस सनसेट हो रहा है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। तो जो भी आप लोग कभी बनाना चाहें तो बोटिंग ज़्यादा ज़्यादा करिए, सुबह शाम रात जब भी करनी बोटिंग करता रहो मेरे साथ। पहली बार बनारस आया तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यार। क्या देखा अभी तक तूने? अभी तक देखा एक फोर्ट। तो ये हमको अभी यहाँ लेके आइए, फिर उसके बाद हम दशाश्वमेध जाएंगे, आरती देखेंगे और फिर वो वापस लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ नमो घाट पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी दो दिन मैं यहाँ बनारस रहने वाला हूँ, तो मेरा पहला पॉइंट नमो घाट है। एंड फिर अभी हम यहाँ से बोट लेंगे, एंड बोट लेके मैं पहले ये बता दूं कि ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, मतलब ये पहला घाट है अगर नॉर्थ साइड से आप देखते हैं तो। एंड 80 घाट जो है सबसे साउथ में है। तो अभी हमारा प्लान है कि हम ऐसे एक बोट लेके बोटिंग करते हुए 80 घाट जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी आरती देखने की प्लानिंग है। बट उससे पहले मैं आपको ये नमो घाट थोड़ा दिखा देता हूँ, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो आप जब अगर बनारस आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। चलो नीचे लेके चलता हूँ, आपको नमो घाट दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ ऊपर दुकान है जिसमें चाय कॉफ़ी आपको मिल सकती है, काफ़ी बड़ा बना रखा है और साफ़ सुथरा है। अच्छी बात इसकी ये है कि अभी नया बना है तो बहुत साफ़ सुथरा है। एंड यहाँ से बोटिंग लेने का फ़ायदा ये है कि आप पूरा स्ट्रेच देख लेंगे सारे घाट, मतलब हम यहाँ से निकलेंगे, ये ब्रिज है, उसके बाद वो घाट वाट आपको थोड़ा बहुत अगर दिख रहा होगा तो वहाँ बोट्स लगे हुए। ऐसे करते हुए हम लोग सारे घाट कवर करके लास्ट घाट 80 घाट पर जाएंगे। तो नीचे से ऐसे दिखता है। तो बस ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेके वो पॉइंट तक आप वॉक कर सकते हो, थोड़ी देर शाम को बैठ सकते हो, अच्छी जगह है शाम को बैठने के लिए। तो ये है अपनी बोट और हम चले बोटिंग करने। तो मधु कैसा लग रहा है बनारस आके? ये क्या होता है? तो ये अपना दोस्त मधु, इसको आप मेरी बहुत सारी वीडियोज में देखोगे। ये पहली बार बनारस आया तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यार। क्या देखा अभी तक तूने? अभी तो देखा एक फोर्ट। हम अभी रामनगर फोर्ट गए थे तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो नहीं रहा। जल्दी है नमो घाट से अपने 80 घाट की तरफ। तो पुनः कैसा लगा नमो घाट? क्या देखा आपने नमो घाट पे? पीसफुल लगा। आई थिंक यहाँ पे शाम को बैठेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो वो उधर का हमारी डेस्टिनेशन है, आपको बोट दिखा देता हूँ। ये हमारी बोट है, मोटर बोट। ऐसा कुछ दिखता है बोट से नमो घाट। तो अब अभी वहां से वो हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे सारे घाट स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं ये घाट है, राजघाट है, यहाँ पे मंदिर है, ये लकड़ियाँ रखी हैं, आई थिंक ये वो हरिश्चंद्र और मणिकर्णी का घाट पे जाती होगी। यहाँ पे बोलते हैं कि मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है तो आपको मोक्ष मिल जाता है, तो ये लकड़ियाँ शायद उसी के लिए रखी हुई है। और आगे आए तो फिर अभी यहाँ पे रानी घाट, ऐसे बहुत सारे घाट है छोटे छोटे। तो ये घाट है नंदेश्वर घाट, जो भी बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है। ये सामने त्रिलोचन घाट आ गया। तो ये सामने बूंदी पर कोटा घाट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना रखे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स की हैं वॉल पे। हमने बोट यहाँ पे रुकवाई है थोड़ी फोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो सामने ब्रह्मा घाट है, मस्त सनसेट हो रहा है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। तो जो भी आप लोग कभी बनाना चाहें तो बोटिंग ज़्यादा ज़्यादा करिए, सुबह शाम रात जब भी करनी बोटिंग करता रहो मेरे साथ। ऊपर घर देखो यार कैसे है ना, ये घाट है पंचगंगा, ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये एक मस्जिद है। ये ऊपर मेहता हॉस्पिटल है, तो ये इसी का मेहता घाट नाम रखा हुआ है यहाँ पे। फिर गणेश घाट, ऐसे चलते चलते
हम आगे तक जाएंगे। अभी देखे अग्निश्वर घाट ये बड़ा सुंदर सा बना रखा है, मंदिर है क्या है ना, तो इसकी पता नहीं चला। तो ये है फेमस मणिकर्णिका घाट, इसको बोला जाता है कि सबसे पुराना घाट यही है। ये यहाँ पे टेम्पल पानी में ही आता, तो ये ऐसा बोला जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार अगर यहाँ पे आपकी डेथ के बाद अगर आपको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है तो आपको मोक्ष मिलता है, तो इस तरह से मोक्ष की ओर है हमारे लिए। जीवन का यही सत्य है बस, जो आया उसे जाना है एक दिन। तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो नया बनाया है भाई, जिनके घर ऊपर होंगे वो तो बढ़िया एकदम उनका व्यू मिलता रहता है। ये हिस्टोरिकल नेपाली टेम्पल है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर रेड रेड कलर का, उसी स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाया हुआ है नेपाली स्टाइल। ये किसी का महल वहल होगा। तो ये एरिया है जहाँ पे आरती होती है, तो अभी हम घूम फिर के अस्सी घाट से फिर हम यहीं पर ही आएंगे आरती के लिए। तो लोग आप देख सकते हो अभी से ऑलमोस्ट 6 बजे आरती होगी एंड लोग अभी से ही बैठ गए, अभी 4:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ से लेके ये पूरे स्टैंड लगे हुए हैं जहाँ पे पुजारी पंडित लोग खड़े होकर यहाँ पे आरती करेंगे बाद में शाम को। यहाँ पे भी आरती होती है जिस हिसाब से सेटअप लग रहा है यहाँ पे, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी आरती देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भीड़ में नहीं देखना है। घाट पे आपको अलग अलग तरह के मंदिर दिखेंगे, काफ़ी बहुत सुंदर बनाया है, जैसे कि ये है पीछे भी एक दो मंदिर मैंने देखे थे। तो ये है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि एक और घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, तो दो थे एक मणिकर्णिका और एक ये हरिश्चंद्र। तो बस हम अस्सी घाट पहुँचने वाले हैं, ये सामने अस्सी घाट है। यहाँ पे कल सुबह आने वाला हूँ मैं, सुबह इसको कवर करेंगे। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं सामने, आपको दिख रहा होगा तो फिजी रह जाते हैं जो बहुत फेमस है यहाँ पर, भूख लगी कुछ पिछले करते हैं फिर रात में देखने चलेंगे। सी घाट आके उतर गए और अभी हम उधर जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो चलते हैं खा के बताता हूँ मैं कैसा रहा। चाय यहाँ पे भी आरती होती है, सुबह होती है आई थिंक, यहाँ पे एक महोत्सव चल रहा है सुबह बनारस, तो वो देखने के लिए आऊँगा मैं कल। ये भी काफ़ी बड़ा घाट है। तो ये अस्सी घाट का मेन मंदिर है, अभी हम वहाँ ऊपर जा रहे हैं उसके बगल में। तो बोलो कैसा लग रहा है बनारस में आके, बोटिंग अच्छी थी ना? तो ये बोटिंग हमने ली थी नमो घाट से, वहाँ से हमको ये मोटर बोट पड़ी 2000 रुपये के आसपास। तो ये हमको अभी यहाँ लेके आइए, देन उसके बाद हम दशाश्वमेध जाएंगे, आरती देखेंगे और फिर वो वापस लेके जाएगी। तो सही रेट है, ज़्यादा ज़्यादा रेट भी नहीं है।